नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। Your turn. Yes, sir. Beautiful. Beautiful. जिस तरह बॉल को पॉकेट किया है उस तरह घनश्याम को पॉकेट क्यों नहीं करता रे? कोशिश तो 6 महीने से कर रहा हूं जोसेफ साहब, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। वो कमबख्त हाथ ही नहीं धरने दे रहा है। हिजड़े के बाप एक बात मत कर यार, घनश्याम को अपने हाथ में आने से मांगता है। अगर एक बार वो अपने हाथ में आ गया ना तो गवर्नमेंट के बजाय अपने लिए नोट छापेगा और अपन घर बैठे बैठे अमीर हो जाएगा। उसको मिनट से 1200 रुपए मिलता है ना। 1200? अपन उसको 12000 देगा। 12000 जैसे ये बॉल पॉकेट हुआ ना, हाँ, वैसे चेक दिन वो भी पॉकेट में आ जाएगा। कल दिवाली का दिन है ना, है? और दिवाली के दिन जुआ खेलना गुड लक माना जाता। बिल्कुल। तू कल उसको लेके अपने दोस्त रघु के क्लब में चला जा। फिर जो कुछ होगा सब तेरी आंख के सामने होगा। क्या हो पहाड़ी बकरे? सुशील, ये तुम लो, ये तुम लो चंदा। अरे ये रही। ये पुजारी कैसी है बड़े भैया? बिल्कुल मेरी चंदा जैसी। मेरी तरह ये भी नहीं देख सकती क्या? तुम एक दिन जरूर देखोगी चंदा। जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब डॉक्टर बनकर अपनी बहन की आंखें ठीक करूंगा और मैं ढेर सारे फुलझड़ियां लाऊंगा और हमारी चंदा सब जलाएगी, है ना बड़े भैया? बिल्कुल ठीक। तुम दोनों फुलझड़ियां घुमाओ, मैं जाकर वो अनार जलाता हूँ। चंदा! रवि! क्या हुआ? क्या हुआ रवि? क्या हुआ रवि को? सवाल बाद में करो, पहले बनवा लो। क्या हुआ बड़े भैया को? माँ! अरे क्या हुआ घनश्याम, क्या हुआ रवि? चंदा की बांधी हुई राखी चंदा को बचाने में चल गई। अब देखो ना, यह निशानी इसकी कलाई पर जिंदगी भर रही, अपनी बहन की राखी बनकर। ओ भाई साहब, मैं डॉक्टर को लेकर। अरे नहीं यार, इसे तकलीफ हो रही है, आप लोग बातें कर रहे हैं, जल्दी से। भाभी, बहादुर बाप का बहादुर बेटा है,
इसको क्या तकलीफ होगी, चल बेटे। अंकल, तुम्हारे ये गर्दन पर भौरा बैठा ही रहता है, कभी उड़ता ही नहीं। देखा भाभी, अभी अभी हाथ जला है लेकिन शरारतों से बाज नहीं आता, मेरे मत्से को भंवरा कह रहा है। आओ यार शंभू बैठो। क्यों प्यारे? हाथ ला रे लेकिन। बाय द वे भाभी, एक बात तो बताइए। कहिए, क्या बात है? वो दिवाली में बच्चे तो पटाखे और फुलझड़ियां छोड़ लेते हैं, बड़े क्या करते हैं? मिठाई खाते हैं। उसके बाद? बच्चों को रोशनी दिखाने ले जाते हैं। और उसके बाद? तो तुम ये कहलवाना चाहते हो कि जुआ भी खेलते हैं? भाभी है बहुत समझदार। अरे भाई, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और फिर दिवाली की रात में जुआ खेलना तो बहुत बड़ा पुण्य है भाभी। तो ठीक है, जाओ खेलो जुआ। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। मेरे कहने से जा रहे हो? शंभू भैया को इशारा मैं कर रही थी। कौन सा इशारा भाई? अरे वो भी कोई इशारा है? इशारा तो वो था जो शादी से पहले तुम्हें छत पे खड़ी देखकर किया करता था। जी? अब जाते हो या ना करूं? अब फूट ले भैया। अच्छा चलता हूँ। जाम भाई, तुमने तो भाभी और बच्चों की तस्वीर चूम चूम के सबके दिवाले निकाल दिए। अच्छा टशन किया इसने, हमें तो छक्का बना दिया। रघु, तुम्हारी डील है। आज तो तख्त या तख्ता, ये 100 रुपया ब्लाइंड। तेरी की आज अपना लग नहीं है भैया, बिल्कुल इनसे टक्कर नहीं ले सकता कोई। 100 रुपया ब्लाइंड। अपने भी नमस्ते जी। ये 200 ब्लाइंड। अच्छा तू यहां क्यों खड़ा? साहब आपके सिगरेट चले आ सब जी। ये 800 की चाल। ठीक है भाई, एक चांस हम भी ले लेते हैं। ये 1600 की मेरी चाल। ओ हेल, पैसे नहीं है यार मेरे पास। मेरे पास हैं ये थोड़े से। पैसे खत्म हुए तो क्या हुआ, घर पे खूबसूरत जवान बीवी जो बैठी है, लगा दो उसे दांव पे। अरे इसमें हर्जी क्या है, पांडवों ने भी तो अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया था। मैं तेरा। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? साजे। ये तो मर गया घनश्याम, ये तुमने क्या किया, क्या किया तुम? घनश्याम तुमने मेरे गला में खून कर दिया। पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। अरे घनश्याम ने किसी का खून कर दिया? रवि, रवि तेरे पिताजी ने किसी का खून कर दिया? तेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ कहाँ? माँ, पापा ने किसी का खून कर दिया। मुंह चले, क्या बकवास करता है? ये ठीक कहता भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो खूनी नहीं तो फिर भागा क्यों? मैंने अपनी आंखों से उसे स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा है। माँ फिक्र मत करो, मैं अभी पापा को लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, भाभी धीरे रखो, भाभी, भाभी धीरे रखो, धीरे रखो। अरे अरे जल्दी जल्दी क्यों उतर रहे हो, मरना है क्या? चलो अंदर। टिकट प्लीज। अबे ओ, यहां कैसे आया तू? डीसी बाहर है, मेरे पास टिकट नहीं। टिकट नहीं है तो तुम फिक्र मत करो, तुम इधर आके बैठो, तुम्हारा टिकट मैं निकालूंगा। बेटे तुम एक काम करो, ये लेके बाहर चलो, मैं बाकी का सामान लेके आता हूं। और ये लो तुम्हारा टिकट।
पिताजी, ये कहां से लाया? मुझे नहीं मालूम, मेरे नहीं है। तो फिर किसने दिए? उस डब्बे में उस आदमी ने। वहां तो कोई नहीं है, पूरी गाड़ी खाली है। बोल किसने दिए थे? मैं सच कहता हूं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, अच्छी एक्टिंग कर लेता है ये। उमर और जितने इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। अगर आज मेरा बाप चले गया तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा इंस्पेक्टर साहब। मैं तुझे तेरे बाप के पास ले चलता हूँ, चोर कहीं का। इंस्पेक्टर साहब, पिताजी पिताजी पिताजी। क्या बात है, कौन है तुम? मैं एक परदेसी हूं सर, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, पुलिस खामखा मेरे पीछे पड़ गई है। पुलिस? जी हाँ। क्या किया तुमने बताओ? मैं बाद में सब कुछ बताता हूँ सर, पहले मुझे बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, छुप जाओ। वेल डन बॉयज, वेल डन। शिकार कहा का बिल्कुल सही किया है तुमने। अब ये पुलिस की वर्दी उतार दो, कहीं असली पुलिस ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ नसीब ले जाए। बड़े भैया जी, पापा जी कब मिलेंगे माँ? यही पता होता बेटी तो हम लावारिसों की तरह दर दर की ठोकरें क्यों खाते। अच्छा बेटा, तुम यही बैठो, हम आते हैं। चलो बेटी। चला? मैंने आसपास के तमाम गांव छान मारे सर, लेकिन बच्चे की मां और बहन का कहीं पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो सर। अल्लाह रहम करे इस मासूम पर, रो रो के अपने आप को हलकान कर डाला है इसने। एक बात कहूं, मानेंगे आप? फरमाइए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे ही जिगर का टुकड़ा हो। क्यों ना इसे हम अपना बेटा बना ले। और अगर इसकी माँ मिल गई तो? मैं एक औरत हूँ, दाया नहीं जो किसी माँ की गोद उजाड़ दूँ। वो आएंगी तो उनकी अमानत उन्हें लौटा दूंगी। देखिए बेगम, ये आपके आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आज से सुशील हमारा बेटा और वारिस। मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, मर्द हो मर्दानगी दिखाओ। जिंदा रहने के लिए कई स्वांग रचाने पड़ते हैं। इधर देखो, मैं लंगड़ा नहीं हूं, ना ही ये दाढ़ी मूछ असली है और ना ही मेरा नाम त्रिपाठी। मेरा नाम जोसेफ है, जोसेफ। मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा।
क्या करना पड़ेगा मुझे? वही जो तुम आज तक करते आए हो। तुम गवर्नमेंट के लिए नोट छापते हो ना, आप हमारे लिए छापो। नहीं, मैं गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। और खून करना तो कानूनी काम है ना। जैसे घनश्याम, आज तुम जिंदगी और मौत के दो राय पे खड़े हो। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत। किधर जाना है यह फैसला तुम्हें आज और अभी करना पड़ेगा। जिंदा रहोगे तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे कभी ना कभी मिल जाएंगे, और अगर दौलत होगी तुम्हारे पास, तुम दुनिया की हर खुशी उनके कदमों में निछावर कर सकोगे। दुनिया के हर गम का इलाज पैसा है घनश्याम, पैसा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें दौलत, बीवी, बच्चे, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं तो मुझसे कहो, मैं खुद तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। आप जो चाहेंगे करूंगा। दैट्स इट, एक्सलेंट, वंडरफुल, दैट्स व्हाट आई। आज घनश्याम मर गया, उसकी जगह विक्रम सिंह ने ली है। विक्रम सिंह हो तुम आज से। विक्रम सिंह, तुम राजाओं की तरह जिंदा रहोगे, शहंशाहों की तरह मरोगे। तुमका फर्नीचर बनावा आवत है? जी हाँ। कहाँ से कह रहे हो? जेल में। जेल में? पर मैंने चोरी नहीं की थी। अबे ससुर चोरी ना ही किए रहे तो का सौकारी में अंदर गए रहे? चल चल भूलिया से। अरे मैं कह रहा था और ट्राई मत मार। कब तक ऐसे धक्के खाते रहेगा तू? एक बार जो जेल चला जाए ना, उसे दुनिया हमेशा चोर ही समझेगी। तू ठीक कहता है मुरली, कोई बात नहीं, दुनिया जो समझती है वही सही। लेकिन एक बात याद रख, जिस कुत्ते जाड़िया ने मेरे माँ बाप भाई बहन से मुझे जुदा किया, जिसने मुझे दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए चोर बना दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक ना एक दिन उसे मेरी बर्बादी का बदला जरूर चुकाना पड़ेगा। कमाल है, इतनी बड़ी सिगरेट पैक थी। कारी, ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के हमरी ओर कहा देखत है री? अबे ओ चिकने, हम देखत नहीं, सुनत है। तू तो कितना अच्छा गाता है री। क्या तेरी माँ बाप पैचू बावरा के पड़ोस में रहती थी? कहा बकत है री? हम बकत है कि तू कितना अच्छा गा रहा है मेरे चिकने। अबे तू तो हरामी लगत है। हरामी होगा तेरा पाप। अबे सुअर के बच्चे, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। यार अभी बता दो, पैगले, अबे साले, पैगले, अबे रुक जा, मैं कहता हूँ। सुअर का बच्चा, ससुरा कहीं का। अरे वो देखो लड़का मेरी बैग लेके भाग रहा है, पुलिस। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अरे मैं बर्बाद हो गया। मोटू, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब इस वक्त? मुरली बाबू, इंस्पेक्टर साहब ऐसी खबर लाए हैं जिसे सुनकर आपकी भी मुरली बन जाएगी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आप कौन साहब? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आपकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन ये कोई वक्त है आने का? क्या टाइम हुआ? रात के 2 बजे हैं। एनीवे, फरमाइए क्या बात है। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन हम लोगों की भी कुछ मजबूरी है। ताकत नाम का लुटेरा आपके बंगले में घुसाया है। अंदर घुसाया तो बाहर निकालिए उस कमबख्त को। इंस्पेक्टर साहब, इस घर की तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद रहते हैं, इसलिए क्या नाम बताया आपने? ताकत। हाँ ताकत, ताकत का इस घर के अंदर घुसना तो नामुमकिन है।
फिर भी सेफ्टी के लिए जरा तलाश करना जरूरी है। रात के 2 बजे आपके पास सर्च वारंट है? मुरली तुम कैसी बातें करते हो, हमें पुलिस के साथ हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए, आफ्टर ऑल ये हमारे माई बाप है। इंस्पेक्टर साहब आप मुरली के साथ जाके तलाश कर सकते हैं। चलिए। नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा, मुझे डर लगता है। डर क्यों लगता है, इंस्पेक्टर साहब जो साथ में है। इसीलिए तो ज्यादा डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप बकते हो, मतलब ये कि जब ताकत का पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो हम किस खेत की गाजर हैं? गाजर नहीं मूली। अरे जान पर जब बनी हो तो गाजर मूली में फर्क नहीं लगता। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप जाके मोटू के साथ तलाश कर लीजिए। थैंक यू कुमार साहब। क्या हुआ, आकड़ क्यों रहा है, ये क्या होता है? कुमार साहब आप ठीक ही फरमा रहे थे, जब आपकी सब खिड़कियां दरवाजे बंद ही हैं तो उसका अंदर आना मुश्किल है। लगता है वो आपके बंगले के पीछे की दीवार फांदकर भाग गया है। आई थिंक यू आर राइट इंस्पेक्टर। एनीवे वी विल सर्च हिम आउट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट मिस्टर नाइट ड्यूटी। हाँ, देखा अकेले जाने का नतीजा। मेरी तरह ये भी नहीं देख सकती क्या? तुम एक दिन जरूर देखोगी चंदा, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब डॉक्टर बनकर अपनी बहन की आंखें ठीक करूंगा। मैंने तो बात तुम्हें देखी है चंदा, अगर तेरी किस्मत में रोशनी नहीं है तो भगवान तुझे मेरी आंखें दे दे। तेरी माँ कहाँ मर गई? रधिया, ओ रधिया। मालकिन, रधिया नहीं, मेरी माँ का नाम राधिका है। चुप रह, आंखें तो ऊपर वाले ने ले ली, जबान मैं काट दूंगी। क्या हुआ, क्या हुआ मालकिन, क्या किया इसने? इससे कुछ नहीं किया, लेकिन ये सारी कारस्तानी तेरी है, इसे यहाँ क्यों भेजा? फर्श साफ करने। फर्श साफ करने या मेरा सफाया करने? इसे यहाँ भेजकर मेरे पति में डोरे डलवा रही है। मालकिन, आप मेरी अंधी लड़की के बारे में ऐसा कह रही हैं? अब मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं। 5 रोज काम किया है, ये ले 5 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। दया करो मालकिन, हम बेसहारों का सहारा न छीनो। अरे निकलती है या धक्के मार के निकालो। हाँ, चलो यहाँ से, अब और नहीं रहा जाता। चलो कर अपना, नहीं तो पुलिस वाले मार मार के तुझे नीला कर देंगे। जानता है ये पुलिस कमिश्नर का माल है। क्या किया करे, जाने कौन बदमाश मेरे कमरे में घुसाया है, मुझे बताइए। ये बताइए, मुझे बताइए। ये नहीं बचा सकती, इन्हें बेगम के डरने का नहीं है कोई। बेगम तुम्हें नहीं बचाने से। ये देखो। अरे बेटा, दुल्हन परे, ऐसे में क्या शरारत, तुम दोनों बाप बेटे मिलके तो मेरी जान ले लोगे एक दिन। हाँ अरे अम्मी जान, जान जाए आपके दुश्मनों को। आपको मालूम नहीं आपके बेटे ने आईपीएस का इम्तिहान पास कर लिया? हाँ भाई, तुम्हारे साहबजादे DYSP क्राइम ब्रांच को हैं। अरे अरे ये क्या कर रहा है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है ना, उसे ढूंढ रहा हूँ पिछले 15 दिन से। आबू, अरे बेचारे का कान तो छोड़ दो। माता जी को दुआ मांग कि मालिक तुझे हर आफत और मुसीबत से बचाए। ओहो, मेरे शॉट का सत्यानाश कर दिया। ज्यादा लगी है क्या? नहीं नहीं ठीक है। और तू इधर कहाँ से आया? कम वक्त कम वक्त नहीं, दौलत वक्त कहो, दौलत वक्त। एक खास खबर लाया हूँ। अच्छा। सेठ धर्मदास के यहाँ 2-1 दिन में 2 करोड़ के हीरे पहुंच रहे हैं। उसके घर का नक्शा स्टडी किया? नक्शा तो स्टडी किया, लेकिन एक दिक्कत है, एंट्री जरा मुश्किल लगती है। उसके यहाँ कोई लड़का या लड़की है जिससे दोस्ती की जा सके? नहीं, लड़का लड़की कोई नहीं, शादी नहीं की उसने, लेकिन हाँ उसकी एक भतीजी है जो शौकिया तौर पे रेडियो पे गाती है और एक संगीत स्कूल चलाती है। क्या नाम है उसका? गीता। गीता
वो गाड़ी दिख रही है ना, उसी में। अरे अरे देखो बेचारे को मार गया। आओ आओ बचाओ बचाओ। हाय देश पर सड़क क्रॉस नहीं करते, अंधे हो क्या? अरे वो तो बेचारा अंधा है, लेकिन तोहे ना ही दिखाई पड़त, आंखें हैं के बटन। नहीं 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 नहीं, इनका अपमान ना कीजिए, भूल मेरी है, क्षमा करना मुझे। अरे अरे सुरदास जी, कहीं चोट तो नहीं आई ना? कौन, शीतला प्रसाद जी? हाँ हाँ, हम वही बोलत रहे, हम तो चौराहे पे चना बेचत रहे, अगर रास्ता पार करना था तो हम का बुला लिया होता। चला बैठ। क्या हुआ? गरम है। अच्छा, वो अंधे का सहारा कहाँ है भैया? लीजिए। धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहाँ जाना है? यही कहीं संगीत विद्यालय है, वहाँ गीता देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। आप उसे जानते हैं? जी जी हाँ, जब से आकाशवाणी केंद्र से उनकी मधुरी रसीली आवाज सुनी है, तब से उनके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। अगर उनकी कृपा हुई तो अपने जीवन के बाकी क्षण उनके संगीत विद्यालय में बिता दूंगा। सुरदास जी चला, हम पूछताछ करके तोके हुआ पहुंचा देते हैं। चल, आप क्यों कष्ट करते हैं? सुनिए जी, जिसके पास आपको जाना है मैं वही। क्या देवी जी, आप दिल लगी तो नहीं कर रही है संदेह से? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, गीता मैं ही हूँ। हे पिता परमेश्वर, बड़ी कृपा है तेरी, मैं धन्य हो गया जो आपसे भेंट हो गई। देवी आपके चरण कहाँ हैं? मैं उन्हें छूना। अरे 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 नहीं नहीं, वो सूरदास जी, मैं म्यूजिक हॉल ही जा रही हूँ, आइए मेरे साथ। धन्य हो देवी, बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। आज तो ये चन्ना गरम करके छोड़ेगा, चन्ना जोर गरम। वन टू थ्री फोर गर्ल्स गर्ल्स। हाय गीता। हाय गीता, कैसी? कम है, कम कम। आप सूरदास हैं, हमारे स्कूल के नए मेंबर। नमस्कार। आपको संगीत से बहुत लगाव है? लगाव नहीं देवी जी, मैं तो संगीत का पुजारी हूँ, मेरा ओढ़ना बिछोना ताल और सुर है। यह अमावस का अंधेरा जो मेरे चारों तरफ छाया है, इसमें संगीत की लय ही चंद्रमा की किरण बनकर मुझे राह दिखाती है। वाह वाह वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है। चलिए आइए। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं? गाता भी हूँ देवी जी और बजाता भी हूँ, रहा अच्छे बुरे का प्रश्न, वो तो बजवा के तय कर लेना। क्या क्या बजाते हैं आप? आप जो बजवाना चाहेंगी, सितार, सारंगी, जल तरंग, मृदंग। तबला बजाएंगे? तबला वो भी बजा देंगे, लेकिन चाटी सुर में होनी चाहिए। अच्छा तो चलिए आओ बैठे, जरा संभल के। बहुत अच्छा बजाते हैं आप। संतुष्ट हो गई तो मैं धन्य हो गया। आप बहुत गुणी हैं। संगीत के अलावा भी आप किसी और चीज में दिलचस्पी लेते हैं? दिलचस्पी? जी हाँ। किस में? भगवान ने नैनों की ज्योति छीनकर मन की ज्योति को जला दिया है। आवाज सुनकर मैं मनुष्य की काया के विषय में बता सकता हूँ। अच्छा तो बताइए मैं कैसी हूँ? जरा मेरे निकट आओ देवी। लो आ गई, आप बताइए मैं कैसी हूँ? हाँ, कजरारे नैन ना लेने दे चैन, गदराया बदन चेहरे पे फबन, सेब जैसे गाल ऊपर से लाल लाल। अब तुम आओ। सूरदास जी अब मुझे तो ये बनावटी अंधा लगता है, जरूर कोई ड्रामेबाज है। अच्छा अभी पता चल जाएगा। हॉल के साथ जो नया रिंग बन रहा है ना,
वहाँ ले चलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलो चले, लगता मुझे चलना चाहिए। अच्छा देवी जी मुझे आज्ञा दीजिए। सूरदास जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, चाय का वक्त हो गया, चलिए चाय पीते। जी नहीं काफी समय हो गया, अब तो मुझे जाना चाहिए। अब तो आपको चाय पीनी ही पड़ेगी, चलिए आइए। हम लोग रुक क्यों गए? मैं अपना पर्स भूल आई हूँ। आप यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ एक कमरा है, आप वहाँ जाके आराम से बैठ जाइएगा, तब तक मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। सूरदास मर गए, सूरदास आगे बढ़े तो मरे, पीछे हटे तो मरे। अरे भाई कमरा कहाँ है? अरे सूरदास जी आप तो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, मुड़कर उसी तरफ चलते जाइए, आगे कमरा ही कमरा है। मैं समझा मैं रास्ता भूल गया था। आप फिक्र मत कीजिए सूरदास जी, हम आपके साथ हैं। आप मेरे साथ हैं तब तो ठीक है, चलिए। अरे आपके हाथ में तो खराश आ गई, मधु जल्दी से मकरी करूंगी। सूरदास जी आप हर लड़की की आवाज सुनकर सब कुछ बता रहे थे, इसलिए हम सबको लगा कि आप बनावटी अंधे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी परीक्षा में सफल रहा। मधु जल्दी से दवा ले आओ। थोड़ी सी तो लगेगी। कोई बात नहीं, शुरू में लगती है लेकिन बाद में ठंडक पहुंचाती है। मैं तो आपको गुरु मानकर गीता रूपी संगीत के समुद्र में अपने मन की प्यास बुझाना चाहता हूं। अगर आ गया हो तो कल से रोज आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊं। नहीं नहीं कल मत आइएगा, स्कूल बंद रहेगा, कल मेरी सालगिरह है। कल आपकी सालगिरह है? थैंक यू। सूरदास जी आप? देवी जी जन्मदिन की बधाई देने चला आया। थैंक यू दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। बिन बुलाया अतिथि तो हूँ परंतु शुभ अवसर पर आने के लिए हृदय व्याकुल हो गया। आप आ गए बड़ी खुशी हुई, न जाने कैसे मैं आपसे कहना भूल गई। कोई बात नहीं देवी, इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए कविता लेकर आया हूँ, क्या आप सुनना पसंद करेंगी? जरूर जरूर। नेकी और पूछ पूछ। तो फिर सामने आइए। Thank you.
कोई झूल नहीं, कोई नहीं उन साहसी। कौन है वो, क्या नाम है उनका, यहाँ बताओ कैसे। मोती हो तो बांध के रख दूँ, प्यार दुखाऊँ कैसे। वो चेहरा है हर चेहरे में, उसे बुलाऊँ कैसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत खूब, थैंक यू सूरदास जी। वाह वाह सूरदास जी, आपने तो महफिल में रा रा लाया। आपकी जरा नमाजी। क्या हुआ? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठो। दिल का रोग महारोग है देवी, मेरी जेब में एक दवा की बोतल है, उसमें से गोली निकाल कर मेरे मुंह में डाल दो। अरे जल्दी लाओ पानी, पानी लाओ पानी, पानी ये लीजिए और पानी पी लीजिए। पी लो पी लो, कुछ कुछ। मेरी वजह से आपको कष्ट हो रहा है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने दौरा पड़ने पर 24 घंटे के लिए चलने फिरने के लिए मना किया है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक चटाई मंगा दीजिए, मैं यहीं पड़ रहूंगा। ठीक कहते हैं। अरे जाओ जाओ, इसकी क्या जरूरत है अंकल, घर में कितने कमरे हैं। शंकर नीचे वाले कमरे में बिस्तर लगा दो। नीचे? नहीं नहीं देवी, इस हालत में ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए भी डॉक्टर ने मना किया है। चढ़ने उतरने की बात ही नहीं है, घर में लिफ्ट भी मौजूद है, आइए मेरे साथ चलिए। कौन चलिए आइए आइए। मैं आपको बहुत कष्ट दे रहा हूँ देवी जी, क्षमा कीजिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बैठिए। ओह बहुत नीचे, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी। कौन है भैया? मैं हूँ। ओह देवी जी, एक ग्लास शीतल जल मिल सकता है? जरूर लीजिए। धन्यवाद। सूरदास जी, जी आपको इतना पसीना क्यों निकल रहा है? पसीना? ओह ये मर्जी कुछ ऐसा है देवी जी। गुड मॉर्निंग अंकल, आपकी चाय आ गई। अरे उठिए ना अंकल, सुबह। सूरदास जी? सूरदास? कौन सूरदास? अंकल आप सूरदास कैसे बन गए? मैं?
मेरी दादा दौलत सलाम साहब चुप है सलाम क्या बाबा बच्चे अरे मैं तो बर्बाद हो गया क्या हुआ अंकल अरे मुझे लू लू लुटवा के पूछती है क्या हो गया देख और इधर देख अरे मेरे सारे जेवरात मेरे गायब हो गए वो सूरदास नहीं था वो तो ताकत था अरे 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 ये देख और ये देख असली है जरा एक मिनट अरे अरे क्या दुल्हन बना रही है मेरे को अच्छा सेठ धर्मदास की बर्बादी का जुलूस तो देख लिया लेकिन लौंडिया की साड़ी कैसे उतार ली कई रात में तुमने अबे गधे मैं सिर्फ उसके कमरे में सोया था इस साड़ी में तो ये सब बांध के लाया हूँ हाँ निशानी के लिए ये तस्वीर जरूर लाया ताकत चौधरी साहब 3 महीनों में ये 10वां डाका साहब ताकत ने तो हम लोगों की जिंदगी हराम कर दी कमिश्नर साहब हमारे जैसे शरीफ शहरियों का शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया हो कमिश्नर साहब मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ हमारी एसोसिएशन मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाती है हम आम शहरियों से ज्यादा टैक्स देते उसके बावजूद भी हमारी जान और माल की कोई हिफाजत नहीं इस ताकत के सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं तो भाई साहब यकीन रखिए पुलिस चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रही तो फिर अभी तक ताकत गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ दरअसल बात यह है कमिश्नर साहब लुट गया मैं बर्बाद हो गया मैं आप यहां इस हालत में खैरियत तो है कुंवर दिलीप सिंह अरे कल तक कुंवर दिलीप सिंह था आज तो भिखारी दिलीप सिंह कहिए आखिर हुआ क्या ये रसीदें देखिए 35 लाख के हीरे मंगवाए थे मैंने 35 लाख कल ही काट के तैयार किए और रात हमें काट गया कसाई और हीरों के खाली डब्बे में ताकत का ठप्पा छोड़ गया अब मेरा क्या होगा मेरा थैंक यू आपने कंप्लेन लिखवाई या नहीं और हजूर मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ जब चोरी हुई उस वक्त आप कहाँ थे मैं आपको बताता हूँ मैं अपने कमरे में सो रहा था खटका हुआ आंख खुली मैंने देखा कि शैतान तिजोरी में से हीरों का पैकेट निकाल रहा था मैंने उसमें जंप किया वो हट गया मैं जमीन पर गिर गया फिर लात पे लात दे लात पे लात मारे लातों की हालत खराब हो गई और फिर बेहोश कौन मुझ बदनसीब के अलावा और कौन मैं बर्बाद हो गया कमिश्नर साहब आखिर ये ताकत है कौन जरा हिम्मत से काम लीजिए कमर साहब ताकत बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को लेटा हुआ माल भी आप लोगों को वापस मिल जाए हाय मेरा क्या होगा थैंक यू क्या औरतों की तरह रोते रहते हो पूरे दिन बंद करो ये हाय हाय और मेरी बात सुनो मुझे 1 महीने के अंदर ही अंदर 50 करोड़ के नोट चाहिए यह काम बहुत जरूरी है और अर्जेंट है समझे छापूंगा जरूर छापूंगा तुम्हारा पालतू कुत्ता जो हूं आज हमने आप प्रेस वालों को यहां आने की तकलीफ यह बताने के लिए दी है कि ताकत और जाली नोटों का सुराग जानने के लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही है लेकिन दोस्तों हमें इस काम में जनता की मदद की सख्त जरूरत है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप प्रेस वाले इस बात को जनता तक पहुंचा दें किसी भी आदमी को ताकत या जाली नोटों के बारे में अगर कोई भी सुराग मिले तो फौरन पुलिस को इत्तला करें हम यकीन दिलाते हैं कि उस आदमी को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा हेलो मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए
क्या एक आदमी जाली नोटों के साथ पकड़ा गया? गुड, वेरी गुड। पुलिस की गोली से जख्मी हो गया है? कुछ बताया उसने? जाली नोटों के लीडर को जानता है। गुड, और क्या कहा? उसके बाद दोष हो गया, कोमा में, होश आने के बाद बताएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सब लोग सिटी हॉस्पिटल पर पूरी तरह निगरानी रखो, मैं भी उस तरफ पहुंचता हूं। रूम नंबर क्या है? 9 फर्स्ट फ्लोर। ओके। कोई हरामजादा हमारे बीच गद्दार बन के छुपा हुआ है, गद्दार। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मैं आजाद, तुम आंटी के पास जाओगे? होश में आने से पहले मुझे वो आदमी यहां चाहिए जिंदा। आंटी आप यहाँ? हाँ, एक जरूरी काम से आई थी। ये आजाद है, इसके साथ तुम्हें जाना होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। ओके बॉस। मैं जाकर स्ट्रेचर लेकर आती हूँ, समझे? बदमाश, मैं तेरा चिल्ला मत। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं, मैं ही हूं। पुलिस? हाँ पुलिस। तुम और तुम्हारे साथियों के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया था, अब बताओ तुम्हें अस्पताल में किसने भेजा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। रुकिए बॉस। देखो, किसी लड़की पर हाथ उठाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो सच सच बता दो, मुल्क में नकली नोट फैलाने वाले लोग कौन हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। तुम झूठ बोल रही हो। जिस देश में जन्म लिया उससे गद्दारी।
मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, जिन शैतानों ने ये पाप किया है उनमें से मैं किसी को नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि मुझे पुलिस वालों से एक आदमी को बचाकर अस्पताल से लाना है। किसने कहा? आंटी ने। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आंटी इस जुर्म की जंजीर में कड़ी बनी हुई है। आंटी बोलिए ना, आंटी आप बोलती क्यों नहीं? आंटी आप आंटी नहीं, आंटी नहीं, नहीं आंटी। तस्वीर को पहचानती हो? हाँ, ये मेरे डैडी हैं, ये मम्मी और ये डैडी की गोद में मैं हूं। डैडी कहाँ है तुम्हारे डैडी? पता नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी तो वो विदेश चले गए। सुना है उन पर खून का इल्जाम था। इस सदमे में मां बीमार हो गई और एक दिन जब उनका आखिरी समय था, हमको लगता हमारा टाइम पूरा हो गया, तुम प्रॉमिस करो तुम इसको पालेगा। हाँ हाँ, मैं इसको जरूर पालूंगी, तुम इसकी फिक्र मत करना। और सिस्टर, ये क्रॉस जो सबने मुझे शादी के मौके पर प्रेजेंट किया था, मेरे बाद इस रोजे को पहना देना। ये फोटो जोसेफ का और मेरा है। और ये तस्वीर इसलिए दी थी कि शायद डैडी मिल जाए और इस फोटो को देखकर हम एक दूसरे को पहचान ले। तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? जोसेफ डिसूजा। जोसेफ डिसूजा। ऐसा पाइप तो त्रिपाठी अंकल के पास भी है। नकली नोटों के मुजरिमों को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया था। अच्छा? हाँ, बल्कि इस सिलसिले में एक लड़की भी हाथ लग गई। उसने अपनी आंटी का नाम बताया जो मुजरिमों के उस गिरोह से ताल्लुक रखती थी, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वो बदमाश उसकी आंटी को खत्म कर चुके थे। इन शैतानों की नजर में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। आंटी के घर से उस लड़की का एक फैमिली फोटोग्राफ मिला है। उस तस्वीर को देखकर हमारे बरखुरदार ये कह रहे हैं कि उसके बाप की शक्ल वो बहुत उनसे मिलती है। ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग। ये रही उसके बाप की तस्वीर और ये रही तुम्हारी तस्वीर। लेकिन अंकल, ये तो ये इस तरह है। और ये रहा वो पाइप जिसकी तस्वीर आपके पाइप से हूबहू मिलती है। और ये रही उस लड़की के फैमिली की तस्वीर। ए कॉकरोच जी, आज हमारा शादी का दूसरा साल गिरा है, फोटो एकदम अच्छा आना चाहिए, साफ। ए रेडी जोसेफ, कम यार। क्या बात है, तेरे थोपड़े पे बारह का को बजा? पुलिस को पता चल गया है कि कस्टम ऑफिसर के खाती लाप है, वो आपको गिरफ्तार करने यहाँ आ रहे। बोल रहे, मैं ठीक कह रहा हूँ? कमांड, लेट्स रन जोसेफ रन। क्या हुआ त्रिपाठी, ये आंसू कैसे?
पुरानी यादों का काम ही रुलाना है कमिश्नर साहब। सुशील बेटा तुम ठीक कहते हो, कमिश्नर साहब आप भी ठीक कहते हैं, लेकिन अंकल हम दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? तुम इसलिए ठीक हो बेटे कि ये पाइप वही है जो तस्वीर में है और शक्ल भी मिलती है, और कमिश्नर साहब आप इसलिए सही हैं कि तस्वीर मेरे जुड़वा हम शक्ल भाई विष्णु प्रसाद त्रिपाठी की है। अंकल ये तस्वीर विष्णु प्रसाद त्रिपाठी की नहीं, खूनी स्मगलर जोसेफ की है। जोसेफ तो उस क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी करते वक्त बना था, बचपन से ही वो गलत रास्ते पे चला गया था। पिताजी ने उसकी हरकतों के बारे में सुनकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद हमने अखबार में पढ़ा कि उसने एक कस्टम ऑफिसर का खून कर दिया और भाग गया। जैसा भी था वो था तो मेरा भाई ही। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, तड़पता रहा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। हाँ एक दफा मेरी सालगिरह पर उसने तोहफे के तौर पर ये पाइप मुझे भेजा था। उस वक्त से आज तक ये मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। उसकी बीवी बेचारी तो मर गई। जी हाँ, मगर बच्ची जिंदा है जो पकड़ी गई है, उससे मिलना चाहेंगे आप? मेरे भाई की आखिरी निशानी, क्यों नहीं, कहा है वो, मिलाई मुझे उससे। सुषमा प्लीज कम यार। आओ सुषमा आगे आओ, इनसे मिलो, ये तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारे पिताजी के जुड़वा भाई मिस्टर त्रिपाठी। अंकल मेरी बच्ची, क्या नाम बताया था आपने चौधरी साहब? सुषमा 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 मेरी बेटी, मुझे फोटो बता दी जोसेफ की, मैंने फौरन जुड़वा भाइयों की कहानी बना के सुना दी और लड़की को भतीजी बना के घर ले आया। सरकार वैसे लड़की है बहुत स्मार्ट, उस लड़की की तरफ देखना भी मत, वो लड़की पुलिस की मुखबर है और कमिश्नर के लौंड की नजर मुझ पर भी है और उस पर भी, वो उसके जरिए मेरे भेद जानना चाहता है। लगता है फिर वही दीवाना है, अपना वक्त नहीं। हेलो कौन? बंदा तेरा। अच्छा तो आप ही हैं। ठीक ठीक बताइए आपको क्या चाहिए? आरजू तेरी। वो क्यों? तुम बड़ी खूबसूरत हो। अगर ये बात है तो फिर मिलते क्यों नहीं? अभी हाजिर हो जाऊं? ऐसे थोड़ी घर पे। फिर कहां? कोई रोमांटिक स्पॉट? यानी के नेशनल पार्क, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, आज शाम को 4:30 बजे। आहा, मैं जरूर आऊंगा। आई विल डेफिनेटली कम। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। बाय बाय। बाय। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, मेरा सच्चा प्यार तुम्हें वाया टेलीफोन खींच कर लाएगा। अच्छा तो आप ही हैं वो जो दिन रात टेलीफोन पे मेरे हुस्न की तारीफ किया करते हैं? जी मैं सिर्फ तारीफ ही नहीं करता, मैं सच्चे दिल से आपको प्यार भी करता हूँ। थोड़ा सा प्यार आप भी कीजिए ना प्लीज। प्यार ही तो करने आई हूँ, जरा मुस्कुराइए। इतने जोर का प्यार नहीं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बचाओ बचाओ मुझे, मेरी जान को बचाओ। खूबसूरत हो तेरी हर पता है हसी, नजर न लग जाए कहीं, आरज़ू हो जरूरत हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। आहिस्ता
मेरा सारा दिन तो ऑफिस में गुल कर दिया और खुद गुल हो गए और बताते भी नहीं कि कहाँ गए। बताऊंगा वक्त आने पर। अच्छा ये तीखी मुस्कान का क्या मायना है, कोई चक्कर चला रहे हो है? पहले ये बताओ ये आवाज किसकी है? किसी जवान लौंडिया की खुशबू आ रही है। किसे लाके रखा है? घर तुम्हारा वाला इल्जाम मुझको देते हो? ए, कौन हो तुम? अगो भैया तुम ही मालक है? हाँ मैं सुंदरी भाई। मौसी आ गए, मौसी इकड़े ये मालक आले। अरे कसला बम मारते, कहाँ से लेके आई है गंगू भाई? साहेब ये मेरे छोटा बहन का छोकरी, जाते कोल्हापुर ना, मेरा भाई है ना उसका बेटे का लगन है। लगन? लगन म्हणजे शादी शादी, इस वास्ते हम कोल्हापुर जाता है। ये मेरे जगावर काम करेगा। मी ही तिला समद साफ करके ठेवीन। तू जा मौशी, कोल्हापुर ची गाडी सुटाया एकच तास है, गाडी चुकली पर बशीला बमलत। हे बघ मालिकला नीट लक्ष ठेव, हाँ खाना बराबर टाइम से दे। 6 वर्ष झाली मी इकडे काम करते, मालिकला काय तकलीफ देऊ नको, समजली ना? हाँ मी नीट नजर ठेवीन। चल आता जाऊ आपल्या कमरे मध्ये। चल एक बात सुनो, मुझे तो लगता है कि ये गीता ही है। गीता? अरे नहीं नहीं, गीता गोरी है और ये सांवली है, इसकी आवाज नहीं सुनी? ये गीता की आवाज है? ओ मेरी बात मान, तू धोखा खा रही हो। अरे नहीं नहीं गंगू भाई, हमें धोखा नहीं दे सकते। चल क्या करने आई हो सुंदरी भाई? वही जो तुम जैसा लुटेरा हमारे घर में करके आया सूरदास जी। लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि तुम इतनी आसानी से यहां कैसे पहुंच गई? इसलिए कि गंगू भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम क्या समझती हो कि 2000 रुपए देकर तुम उसका जमीर खरीद लोगी? जमीर का लफ्ज तुम जैसे चोर लुटेरों की जबान से अच्छा नहीं लगता। चोर लुटेरा मैं नहीं, तुम्हारे चाचा धर्मदास अरुण जैसे और स्मगलर्स हैं। अपना ऐप छुपाने के लिए मेरे अंकल जैसे शरीफ आदमी पे कीचड़ उछालते हो? वो शरीफ आदमी नहीं है, जाते शरीफ हैं, जो दीमक की तरह समाज की तरक्की और भलाई को चाट रहे हैं। और मैं उन जैसे दीमकों को अपने जूतों के तलमों से रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा हूं। तुम झूठे हो। सबूत चाहिए? ये देखो, तुम्हारे शरीफ चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है कि जो हीरे चोरी हुए थे उनकी कीमत 50,000 थी। वो हीरे 50,000 के नहीं 50 लाख के हैं। अगर ये धर्मदास की मलकियत है तो उन्होंने पुलिस में सही रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वो नहीं लिखवा सकता क्योंकि वो खुद चोर और स्मगलर है। अगर वो चोर और स्मगलर है तो तुम कौन से साहूकार हो? तुम में और उनमें क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। मैं समाज को नहीं धर्मदास जैसे नमक हराम और गद्दारों को लूटता हूं और लूट का माल अपने पास न रखकर अपने गरीब भाइयों में तकसीम कर देता हूं। जाके चंदा आया हॉस्पिटल देखो, जनता आश्रम और जनता कॉलेज देखो, जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, रोटी कपड़ा और किताबें दी जाती है। ये सब तुमने किया है? मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये काला धन इन लुटेरों से लूट कर मैं अपने समाज को वापस लौटाता हूं। मैं भी एक शरीफ मां बाप का बेटा हूं, मेरी रगों में भी शराफत का खून है, लेकिन तुम्हारे चाचा जैसे स्मगलर ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। 10 साल के बच्चे को धोखे से स्मगलिंग करवाकर जेल की चार दीवारी में बंद करवा दिया। जब मैं जेल से बाहर निकला तो मेरे मां बाप भाई बहन न जाने किस जहां में खो चुके थे। मैंने दर दर की ठोकरें खाई लेकिन समाज और दुनिया ने मुझे कबूल नहीं किया। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं इन स्मगलर और बदमाशों की मौत बनकर रहूंगा ताकि मुझ जैसे और मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो।
और साथ ही साथ उसकी तलाश जारी रखी जिसने मुझे इस रास्ते पर डाला। क्या वो मिला? नहीं मिला, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। जब तक मैं अपनी बर्बादी का बदला नहीं ले लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या इस नेक काम में मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ? सिर्फ इसी नेक काम में साथ दोगी? जिंदगी भर का साथ नहीं दोगी? जैसे कि तुमने कहा गीता, तुम्हारे अंकल कसीनो बहुत आते जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कसीनो स्मगलर्स का अड्डा हो और कसीनो का मालिक त्रिपाठी एक बहुत बड़ा स्मगलर हो? हो सकता है, इसलिए कि अंकल उसके घर पे भी काफी आते जाते हैं। इसका मतलब हमें कसीनो पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में स्कीम आई है। क्या बात है, तुमने मुझे बुलाया? भोला कह रहा था कि तुमने मुझे याद किया है। हाँ, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस वक्त गीता को दिल्ली से बॉम्बे फोन करना है, जरा नंबर मिला दो। दिल्ली का कॉल यहाँ बॉम्बे में बैठकर? अरे दिल्ली क्या, हम तो आपके अंकल को ये यकीन दिला दें कि ये कॉल लंदन से है, न्यूयॉर्क से है, झुमरी तलैया से है। आप नंबर तो बताइए। क्या तकलीफ है? पीपी दर्मदास? यस। जस्ट होल्ड ऑन, दिल्ली से कॉल है, प्लीज होल्ड ऑन। दादा दिल्ली से? हेलो अंकल। कौन? गे मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ गीता, कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ, यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए अपनी सहेलियों के साथ कश्मीर जा रही हूँ एक महीने के लिए। गुड। और सुनो, वहाँ तुम्हारे पास पैसे हैं? हैवे नाइस टाइम। अब बताओ कसीनो वाली स्कीम क्या है? तुम्हें कसीनो ज्वाइन करना पड़ेगा। आइए कुमार साहब, आइए फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? नरसिंहगढ़ का एक हार आया है, सोचा आपको दिखा दूं ताकि ताकि इसकी असली कीमत का अंदाजा लग सके। जी नमस्ते। बिल्कुल असली हीरा है। सारे असली है ना? मैं इसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूं। मारे को तो थारी भतीजी लगे। हाँ मुझे भी पहले शक हुआ था, लेकिन वो तो कश्मीर में बैठी है। आज सुबह उसका ट्रंकाल आया था। ट्रंकाल आया तो? हाँ कमाल है, वही नैन वही नक्शो। नैन नक्शों को छोड़िए दागा सेठ, हर आदमी का कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होता है। आपका भी होगा कहीं अफ्रीका में। वैसे त्रिपाठी साहब, मुझे लगता है मैंने कहीं देखा है। This is Mr. Tripathi, famous jeweler, owner of this casino and whatnot. Seth Daga and Dharamdas. Ole. Oh, this is Senorita Sophie Dilcaza, famous dancer and singer. Pleased to meet you. No pleasing, no meeting. Hand the disinfectant. Who is he? I am Senora de Maria de Cruz of Santa Cruz, secretary by generation. My grandfather, secretary to her grandmother. My father, secretary to her mother. I am secretary to her. In short. Kumar ji, aapne ke kaise jante hain? Maine Lido Paris mein mila tha. Me? मैंने लीडो पेरिस में मिला था। लीडो बहुत अच्छी स्पैनिश डांसर है, कई जबाने जानती है। वेरी गुड, आप हिंदी तो बहुत अच्छी बोल लेती। थोरा थोरा, हमको आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। सर, देयर इज समबडी आस्किंग फॉर मिस्टर डी मारिया। फॉर मी? एक्सक्यूज मी, आलू आई मैनेजर कपूरा कपूर? यस। No dance in Taj, no dance in Holiday Inn, no dance in Sun and Sand. Madam here on rest, madam here on music study. How can I? Why you bothering me, please? No. आप इंडिया कब आए? कल को आया। इधर का म्यूजिक और डांस स्टडी करेगा और फिर उसके बाद सिंगापुर, टोक्यो, होनोलुलु जाएगा। होनोलुलु
लुलू। सीनियर टी पार्टी, तुम्हारा कैसीनो बहुत अच्छा। हम इसका तारीफ टाइम लाइफ प्लेबॉय मैगजीन में पढ़ा, इसलिए देखने को आया। तुम्हारा डांस फ्लोर बेला बेला ब्यूटीफुल, इसको देखकर हमारा दिल करता है कि हम डांस करेगा। सिनोरीना तफरीक दून को द प्यूर उद रेस्ट उद डॉक्टर। सिनोर दी मारिया, व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन इन टू माय अफेयर? सॉरी। हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? आप जैसी ग्रेट आर्टिस्ट अगर यहाँ डांस करे तो हम भी उसका आर्ट देख सकते हैं। सिनोर टी पार्टी या ग्रेसिया। हां मिस सोफी, बिजनेस की बातें तो आप इनसे करते रहिएगा, मैं तो सिर्फ आपका फैन हूँ। कल शाम आप मेरे बंगले पर आइए और खाना मेरे साथ खाइए। क्या ये ठीक? ये रहा मेरा कार्ड, बाय बाय। मैडम सोफिया, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप इस आदमी के बंगले पर मत जाइए। व्हाई? ही इज अ गुड मैन। ओ नो नो, ही इज अ रेपिस्ट। No, 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 not possible, not possible. Screw Scruya, what are you saying? ये तो मेरी ड्यूटी है। अच्छा कहिए, मेरे ऑफर का क्या हुआ? Okay. See, we accept. Thank you.
सन मेरी दिल का बहुत अच्छा नाचे आप लेट मी किस योर हैंड ओले ओले लकी मैन यही हो रहा था मां जब मेरी बदनसीबी ने मुझे बीवी बच्चों से जुदा किया था उसके बाद ये रात आती रही और मैं तेरे दर पे अपना माथा रगड़ता रहा कि किसी दिन तुझमें ममता जागे और तू मुझे मेरे जिगर के टुकड़ों से मिला दे अब और नहीं तड़पा जाता मां और नहीं तड़पा जाता यजमान भिखारी भिक्षा के लिए खड़े हैं ए किधर देख रही है कंबल नहीं लोगी कंबल हाँ मुझे दिखाई नहीं देता बाबूजी ओ ये लो भगवान आपका भला करे बाबूजी आपके बच्चे भले भोले आपका घर आबाद रहे भगवान करे तुम्हारा कहा सच हो तुम्हारा नाम क्या है बेटी माँ अरे माँ भी साथ है सर्दी लग रही है शायद ला अरे और एक कंबल दे दो भैया सेठ जी कंबल तो सब बट गए अरे तो बिटिया के लिए कोई कंबल बचा ही नहीं खैर कोई बात नहीं बाबू जी अच्छा ये लो बिटिया ये क्या है बाबू जी वो अपनी मां को किसी डॉक्टर को दिखाओ हाँ अरे 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 गटर में गिरना है क्या इतना बड़ा गड्ढा तुम्हें दिखाई नहीं देता नहीं बाबूजी मैं अंधी हूं ओ लेकिन इतनी रात गए अकेले यहां पे क्यों आई मेरी मां बुखार में सड़क के किनारे बेहोश पड़ी है वो पानी पानी कह रही थी एक बूढ़े बाबा मुझे इस नल तक पहुंचा गए ओ चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास छोड़ देता हूं मां जी लीजिए पानी चलिए मां जी मेरे घर चलिए हम अपनी मुसीबतों का बोझ किसी और पर नहीं डालना चाहते आप ऐसा मत सोचिए मां जी इस वक्त आपका बदन बुखार से तप रहा है आप मेरे घर चलिए पहले ठीक हो जाइए चलिए 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 बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूं बेटा खोए खोए से खड़े हो खुशी की रात आंख में आंसू बात क्या है कौन हो तुम इसी रात से हमारी बदनसीबी की कहानी शुरू होती है बाबा इसी मकान में मैं अपने मां बाप भाई बहन के साथ रहता था तुम यहां रहते थे हां मैं घनश्याम का बेटा हूं तुम घनश्याम के बेटे हो देवता आदमी था बेचारा उन कमबख्तों ने धोखा देकर उस मासूम को फंसाया था फंसाया था मैं समझा नहीं बाबा किसने फंसाया था बोलो रघु ने तुम्हारे पिता को हराने के लिए पत्ते बदले थे लेकिन गलती तुम्हारे पिता की नहीं शेर सिंह की थी जिसने तुम्हारी मां पर कीचड़ उछाला था मगर इसमें असली बदमाशी रघु की थी ना वो पत्ते बदलता ना ये घटना घटती रघु कहां है इस वक्त नंबर
तुम में से रघु कौन है? मैं पूछता हूं तुम में से रघु कौन है? यहां रघुनाथ सिंह के नाम को बदतमीजी से पुकारने वाले की जबान खींच ली जाती है। कौन किसकी जबान खींचता है यह तो बाद में पता चलेगा, अभी तो मैं तुम्हारी जबान खुलवाने आया हूं। आज से 20 साल पहले दीपावली की रात में तुमने बेईमानी करके घनश्याम नाम के आदमी के पत्ते बदले थे। बोलो इसके पीछे क्या चाल थी? क्या मैं पूछ सकता हूं ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले तुम कौन हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रघुनाथ। मैं फिर तुमसे पूछता हूं, घनश्याम के पत्ते बदलने में क्या चाल थी? अभी बताता हूं। पत्ते बदलकर घनश्याम को हराने के लिए शंभू ने 5,000 रुपए दिए थे। शंभू चाचा ने? मैं क्यों? ये मैं नहीं जानता, इसमें क्या चाल थी ये सिर्फ शंभू जानता है। डॉक्टर के घर तक पहुंचा दो। अच्छा अच्छा वही ठहरो, मैं आता हूं। आओ डॉक्टर के पास ले चलूं। आओ, वो रहा डॉक्टर का दरवाजा। आओ आओ, ये रहा डॉक्टर साहब का दरवाजा। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। बाद में कराना जाने। फिक्र मत करो बहन, अब देखता हूं तुम्हें कौन हाथ लगाता है। कृष्ण भगवान, उसी ने मुझे यहां भेजा है। बहन,
सब भाग गए हरामजादे। लो ये पहन लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम इस वक्त रात को बारिश में। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं घर में अकेली थी, घबरा कर बाहर निकल पड़ी कि शायद कोई मिल जाए जो मुझे किसी डॉक्टर के यहाँ तक पहुँचा दे। चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आओ चलो। माँ, माँ, बाबूजी, माँ बोल क्यों नहीं, क्या हो गया मेरी माँ को? बाबूजी, क्या हुआ माँ को? तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। चंदा। माँ को जब पता चलेगा कि तू एक मुजरिम और लुटेरा है तो वो जीते जी मर जाएगी। दवा क्या, तेरे घर का पानी भी नहीं पिएगी, आत्महत्या कर लेगी। माँ और बहन का सुख देखना चाहता है तो उन्हें कभी मत बताना कि तू रवि है। अजनबी बनकर रहा तो क्या, उनकी सेवा तो कर सकेगा, उनकी छीनी हुई खुशियां तो वापस कर सकेगा। साहब इस हालत में दुनिया की अच्छी से अच्छी दवा मैं आपके कदमों में रख दूंगा, बस आप इन्हें बचा लीजिए। घबराइए नहीं कौर साहब, हालत ज्यादा खराब नहीं। हालत ज्यादा खराब नहीं तो ये बेहोश क्यों है? मैं अभी इंजेक्शन देता हूँ, ये होश में आ जाएंगी और बीमारी का पता चल जाएगा। घनश्याम की बीवी, ये चक्कर क्या है? Nothing to worry. भगवान, तू इस जन्म का बदला ले रहे हो, मेरे सुहाग पर सुख छीन लिया, बेटों को मुझसे अलग करके मेरी ममता का गला घोट दिया। ऐसे जिंदगी से तो अच्छा हम दोनों को मौत के। मैं कितना बदनसीब हूं, अपनी मां को मां नहीं कह सकता, उसे सीने से लगाकर यह नहीं बता सकता कि मैं ही उसका बेटा रवि हूं। कुमार घनश्याम का बेटा है, अगर घनश्याम को भी बच्चे मिल गए तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। किसी भी कीमत पर मैं इन लोगों को मिलने नहीं दूंगा, कभी नहीं मिलने दूंगा। कुमार साहब, आई हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते। हेलो, हाँ मैं कुमार बोल रहा हूँ। क्या सच डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। माँ, जानती हो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि चंदा ये दुनिया देखेगी। चंदा मेरी बहन, तेरी जिंदगी में अब अंधेरा नहीं रहेगा। मुरली सुना तूने? बोला, तू ये फोन लेकर आया? जी। ये ले, ये सब रख ले, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मेरी चंदा को रोशनी मिलेगी। चंदा, इस खुशी के मौके पर तू उदास क्यों है? नहीं, मुझे मेरे बड़े भैया याद आ गए, कहते थे पढ़ाकर डॉक्टर बनूंगा,
और अपनी बहन की आंखें ठीक करूंगा, फिर मेरी चंदा सब कुछ देखेगी। मेरी बहन, आज से तू ये समझ ले कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। तुम उनसे भी बढ़कर हो बेटा, वो दोनों भी इससे ज्यादा क्या करते। माँ, ये तो मेरे अगले पिछले सभी जन्मों की बहन है। मुझे आज ही चंदा को हॉस्पिटल में भर्ती करना है, फिर मेरी चंदा वहां से दुनिया देखते बाहर आएगी। कुंवर भैया, दुनिया से ज्यादा तो मैं आपको देखना चाहूंगी। हेलो अंकल। हाँ बेटा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल, वो मैं सुषमा को बाहर घुमाने ले जा सकता हूँ? हाँ बेटे, जरूर ले जाओ। अगर मैं ना कहूंगा तो तुम छुप छुप के घुमाओगे इसे। जाओ जी, अब जाओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू। ये डीएसपी भतीजी की आड़ लेकर चाचा जोसेफ तक पहुंचना चाहता है। अब मुझे जोसेफ की फाइल बहुत जल्द बंद करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरी दावत कबूल करके मेरे इस गरीब खाने को इज्जत बख्शी, और सबसे ज्यादा मैं कमिश्नर साहब का एहसानमंद हूं जिन्होंने बरसों से बिछड़ी हुई मेरी इस भतीजी को मुझसे मिलाया। बेटे, नमस्ते करो। आज मैं कितना खुश हूं ये सिर्फ भगवान जानता है, और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी खुशी में शामिल हों। इसलिए आपकी दिलबस्तगी के लिए मैंने एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा है, और उसका उन्वान है दौलत या मोहब्बत। Thank you.
पड़ी साहब गजब हो गया। क्या हुआ? हांगकांग से टेलीग्राम आया, आपके भाई जोसेफ की डेथ हो गई और कल सुबह की फ्लाइट से उनकी बॉडी भेजी जा रही है। अंकल, क्या हो गया अंकल? हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? भतीजी दे दी और भाई को छीन लिया। नहीं बेटी, हिम्मत से काम लो। Since Almighty God has called our brother Joseph D'Souza from this life to himself, we commit his body to the earth from which it was made. Christ was the first to rise up from the dead, and we know that he will raise up our bodies to be like his in glory. We commend our brother to the Lord. May the Lord receive him into his peace and raise up his body on the last day. May God give you enough courage and patience, my child. God bless you. Thank you, Father. खैरी रात को 12 बजे आ जाएगा शाम। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। फादर, एक्सक्यूज मी प्लीज। फादर। यस माय चाइल्ड। माय फ्रेंड,
आपके सामने कन्फेशन करने को मांगा है। अभी तो हम बहुत टायर्ड, उसे कल भेजो ना। ओह ओह नो 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 फादर, माय फ्रेंड मेंटल कंडीशन बहुत खराब, वो कन्फेशन करके अपना दिल का बोझ हल्का नहीं करेगा तो वो सुइसाइड खुदकुशी कर लेगा फादर। ओह प्लीज फादर प्लीज। ओके उसको शाम को 7 बजे भेजो। ओह मुचो ग्रेसियो फादर, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओह ग्रेसियो ग्रेसियो। खामोशी पाक परवरदिगार की जबान है, इसलिए आप लोग आंखें बंद करके उसकी तरफ ध्यान लगाएं। हम सिर्फ कल तक यहां हैं। जोसेफ हमें बहुत प्यारा था, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए आज रात को उसी कब्र पर हम प्रेयर करेंगे। यही हमारा मिशन है, और हमारा मिशन पूरा होते ही हम आप लोगों को आजाद कर देंगे। गॉड ब्लेस यू। फादर, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। कहो मेरे बच्चे, क्या कन्फेस करना चाहते हो? फादर, मैंने एक हंसता खेलता भरा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। ऐसा खानदान जहां मुझे इज्जत और प्यार मिला था, एक ऐसे दोस्त को घर से बेघर कर दिया जो मुझे अपना भाई समझता था, जिसके बच्चे मुझे सगे चचा की तरह चाहते थे, जिसकी पत्नी ने मेरे हाथ पर राखी बांधी थी। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, गॉड तुम्हें जरूर माफ करेगा। नहीं फादर, मुझ जैसे गुनहगार को कोई नहीं माफ कर सकता। मुझे आज भी याद है दिवाली की वो महनूस रात, जब अपने दोस्त को मैं मजबूर करके जुआ खिलाने ले गया था, और जुआ खाने के मालिक को 5,000 रुपए देकर बेईमानी से अपने दोस्त को हरवाया। उसके बाद? उसके बाद जो हर बुरे काम का नतीजा होता है, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा और फिर खून। हाँ खून, कंशाम के हाथों खून हुआ था। तुम कौन हो? मैं कंशाम का बेटा रवि हूं शंभू चाचा। मैंने तो तुम्हें अपनी असलियत बता दी, अब तुम भी मुझे अपनी असलियत बता दो मेरे प्यारे शंभू चाचा। मेरे पिता को हराने के लिए तूने रघु को 5,000 रुपए क्यों दिए थे? बोल इसके पीछे क्या चाल थी? बोल इस वक्त मेरे पिता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। शंभू, सच सच बता दे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरे पिता कहाँ है बोल। जोसेफ को मालूम है, जोसेफ को मालूम है। जोसेफ को? तू झूठ बोल रहा है, जोसेफ तो मर चुका है। अब ये तुझे बता पाएगा शंभू, बोल बोल। जोसेफ जिंदा है। शंभू, देख भगवान के घर में पादरी बनकर तू लोगों को धोखा देता रहा, उसने तेरे बुरे कर्मों की तुझे ये सजा दी है। अब तू भगवान के पास जा रहा है,
जाने से पहले ये नेक काम करता जा। पता सच क्या है? बोल शम्मू बोल, अगर जोसेफ मरा नहीं है तो आज जिसे दफन किया गया है वो कौन है? बोल, सच बता दे तो शायद वो तुझे माफ कर देगा। शम्भू बोल, सच क्या है? बोल, पता ये सब क्या राज है? पता पता जोसेफ कहाँ है? बोल जोसेफ कहाँ है? शंभू, किसने मार डाला इसे? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि लाश नहीं डमी है और इसमें करोड़ों के हीरे हैं? शंभू ने जब मुझे कहा कि जोसेफ मरा नहीं है तो मुझे शक हुआ, तो फिर वो कौन है जिसे कल दफनाया गया था और जिसकी शक्ल भी जोसेफ जैसी थी? अब तो मामला बिल्कुल साफ है कि ये त्रिपाठी का चलाया हुआ कोई बहुत बड़ा चक्कर है। एक्चुअली यू नो, आई ऑलवेज फेल्ट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस इज, ये क्या है? ये दिल्ली से मोदी एंड मोदी ज्वेलर्स से भेजा है। हाँ, वो अनकट डायमंड्स होंगे। Diamond? I have never seen. I'll have to see. You'll see them now. Khol ise. Have to be very careful with diamonds, you know. Oh, madre mio! Santa Maria! What is this? He looks just like your brother. Ye kisi manchale ne shararat ki hai. इसे उठा के ले जाओ। हैरी, कम विद मी। हैरी, जाके मालूम करो कि कपड़ा किस लॉन्ड्री में धुला है और ये निशान किसका है। जी ताकत, वो तुम्हारी डैडी की लाश नहीं थी बल्कि एक डमी थी जिसमें त्रिपाठी हीरे स्मगल कर रहा था। वो तुम्हारी डैडी यानी कि अपने भाई की मौत का ड्रामा करके सबकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहा था। हद से फिर उससे कोई संबंध नहीं। हैरी, कुछ पता चला? मॉडर्न लॉन्ड्री से पता चला है कि ये चादर कुंवर दिलीप सिंह के घर की। कुंवर दिलीप सिंह? इसका मतलब है कि कुंवर दिलीप सिंह ही ताकत है। मैं उसे मच्छर की तरह मसल के रख दूंगा। मिस्टर डिमारिया, सी सीनियोर, आप कहां जा रहे हैं? जस्ट फॉर लिटिल। आज का दिन तो रॉयल सैल्यूट का दिन है। जी, रॉयल सैल्यूट, यस। ऐसे नहीं, मेरे साथ आओ। आओ बैठो। वो रॉयल सैल्यूट नहीं, रॉयल सैल्यूट ये, बोलो पियो। आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। सोफिया डार्लिंग, जरा कुंवर साहब का नंबर तो मिला दो। हेलो, कुंवर स्पीकिंग। कुंवर साहब, मैं आपका खादिम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हेलो त्रिपाठी साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। एक अहम मशवरा लेना था आपसे। मेरे पास एक बहुत बेनजीर हीरो का हार बिकने के लिए आया है, उसकी कीमत का अंदाजा मैं नहीं लगा पाया हूं। क्या आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर पाएंगे? जरा नमाजी का शुक्रिया जो आपने हमें इस काबिल समझा। तो फिर आप तशरीफ ला रहे हैं? जी हाँ, जरूर आऊंगा। शुक्रिया कंवर साहब।
अपने सारे आदमियों को होशियार कर दो। कुंवर आज यहां आएगा, वापस नहीं जाएगा। आज मैं तमाम पुराने हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। Dancing, huh?
कम, प्लीज कम, हैव ड्रिंक विद मी, कम। अंधेरा हो गया तो क्या हुआ? तुम लोग अंधे तो नहीं हो गए थे? वो एक छोटी सी सुई तो नहीं जो गायब हो जाएगी? वो एक इंसान है, लंबा चौड़ा दो एकल इंसान। बात तो दरअसल यह है कि तुम लोग काम चोर हो गए हो, नमक हराम हो गए हो, हराम खोर हो गए हो। आप बुलाएं और हम बिना मिले चले जाएं, ये कैसे मुमकिन है? कहिए क्या पिएंगे आप? प्यार से आप जहर भी पिलाएं तो वो भी पी लेंगे। जहर तो आज तक आप पिलाते रहे हमको। जुमलेबाजी में आपका जवाब नहीं और गला काटने में आपका जवाब नहीं जी। उस डमी की गर्दन बड़ी खूबसूरती से तराश कर भेजी थी आपने। डमी, ये क्या होती है? इस मासूमियत पे कौन न मर जाए खुदा, करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या फड़कता हुआ शेर पड़ा। आपको तो शायर होना चाहिए था। हाँ, शायरी भी शुरू कर दी है मैंने, तखल्लुस रख दिया है ताकत। माशाल्लाह, तखल्लुस भी डील डॉल के हिसाब से रखा है, ताकत। कुंवर साहब, उर्फ ताकत, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। हो सकता है मुझे भी आपका जोग्राफिया मालूम हो गया हो। मिस्टर त्रिपाठी, सोशल वर्कर, शराफत का पुतला, उर्फ स्मगलर, उर्फ चीट एंड व्हाट नॉट। क्यों? मैं तुम्हें शंभू के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवा सकता हूं। उसके गंदे खून से मैंने अपने हाथ नहीं रंगे त्रिपाठी साहब, उसे तो ऊपर वाले ने ही सजा दी है। फिर भी आप शौक पूरा करना चाहें तो जरूर कीजिए। वैसे मेरे साथ आप भी अंदर जाएंगे? देखो, हम दोनों लुटेरे हैं, हमसे जितना माल तुमने लूटा है हमें वापस दे दो। हम दोनों को आपस में लड़ झगड़ के नहीं रहना, मिलके रहना। मिलकर? तुम्हें और हमें बहुत फर्क है त्रिपाठी साहब। तुम जैसे लोग देशवासियों को लूटते हो और हम तुम जैसे लुटेरों को लूटकर उनका माल वापस करते हैं। लेकिन फिर भी कानून की नजर में हम दोनों बराबर के मुजरिम हैं। कुंवर साहब, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। अगर हम दोनों मिल जाए, सारे मुल्क की दौलत हमारे कदमों में होगी। मैं तुम्हारी तरह हराम दहर नहीं। बकवास बंद करो, ये मत भूलो कि तुम मेरे आओ। शेर जहां भी जाता है शेर रहता है, और शेर को चाबुक के साथ बकरी भी बनाया जा सकता है। ऐसा चाबुक इस शेर के लिए अभी तक नहीं बना। अच्छा, और इस चाबुक के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? त्रिपाठी, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कॉलर छोड़ो, स्त्री खराब हो जाती है। तुम्हारी छोटी सी नादानी से इस मासूम की जान जा सकती है। बेहतरी इसी में होगी कि मेरे और मेरे साथियों का जितना भी माल तुमने लूटा है वो वापस कर दो, वरना तुम्हारी बहन तुम्हें मिल तो जाएगी लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में। डोंट ट्राई इट प्लीज। ताकत। शेर सिंह, तू हांगकांग से यहां क्यों आया? तुझे इस जगह नहीं आना चाहिए था। फौरन जा किसी होटल में चेक इन कर। मेरा भाई शंभू कैसे मरा? ताकत ने हीरे चुरा लिए और उसी ने शंभू का खून कर दिया। तुम झूठ बोलते हो। पहाड़ी बकरे, होश में आ। मैं बिल्कुल होश में हूं। ताबूत सबके सामने दफनाया गया था, सिवाय तुम्हारे, मेरे और मेरे भाई शंभू के। किसी और को मालूम नहीं था कि इसके अंदर हीरे हैं, और चूंकि हम दोनों भाई इसमें हिस्सेदार थे, तुम्हारी नियत में फर्क आ गया। तुमने शंभू को खत्म कर दिया और सारा माल हड़प कर लिया और ताकत की झूठी कहानी घड़ ली। पागल मत बनो, वो हीरे वाकई चोरी हुए थे। मेरी बात मानो, तुम वापस चले जाओ। वापस कैसे जाओ? जिस इस पार्टी से हीरे लिए हैं
उन्हें पेमेंट कौन करेगा मिस्टर जोसेफ? जोसेफ नहीं, त्रिपाठी बोलो। मेरे लिए तुम जोसेफ ही हो। भूल गए तुम, शंभू ने और मैंने, हम दोनों भाइयों ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी खातिर मैं दुनिया के लिए मर गया ताकि घनश्याम तुम्हारे लिए नोट छाप सके, और तुमने मेरे ही भाई को खत्म कर दिया। कान खोल कर सुन लो मिस्टर जोसेफ, रूम नंबर 261, होटल ताज, शाम के 6 बजे तक पैसे पहुंच जाने चाहिए, समझे? तब तक तू जिंदा नहीं रहेगा शेर सिंह। अपनी मौत का नाटक खेल के तूने मुझे 20 साल तक नरक की आग में जलाया है। तेरी वजह से मुझे घनश्याम से विक्रम सिंह बनना पड़ा। तूने मेरा घर बर्बाद किया, मेरे बीवी बच्चे छुड़ाए, अब तुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी कमीने। तुम्हारा बुजुर्ग मैं नहीं, जोसेफ है। तुमसे नोट छुपाने के लिए उसने मुझसे ये सारा ड्रामा करवाया। इस मोहरे को तुम कुंवर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, ये उसका बाप है। ले जाओ इसे सेल में बंद कर दो। जोसेफ चल बुढ़े, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोसेफ हेलो। हाँ डिग्रू, मैं मुरली बोल रहा हूँ। मुरली? हाँ बोलो। देखो एक बात पते की कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ वो त्रिपाठी जोसेफ है। क्या त्रिपाठी जोसेफ है? हाँ ठीक कह रहा हूँ। और एक दूसरा झटका भी ले लो, विक्रम सिंह ही तुम्हारे पिताजी घनश्याम है। क्या ये क्या कह रहे तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ और त्रिपाठी ने उनको कैद कर रखा है। हेलो। हाँ हाँ मुरली, हाँ मुरली देख तू बिल्कुल होशियार रहना, मैं भी आ रहा हूँ। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम बेटा? मैं सुशील हूँ माँ, तुम्हारा सुशील। याद है 20 बरस पहले बस एक्सीडेंट में हम लोग बिछड़ गए थे। बेटा मैं बहुत तड़पी हूँ तुम लोगों के बगैर, बहुत दुख झेले हैं मैंने, दर दर की ठोकरें खाई है, लोगों ने मुझे भिखारी समझकर भिक्षा भी दी है। ये हाथ जो कभी देते थे सवाले बनकर पहले है बेटा। बस करो माँ बस करो, नहीं तो ये सीना फट जाएगा। अरे पगले तू क्यों रो रहा है? रो नहीं रहा हूँ माँ, बस इनकी खुशनसीबी को देखकर खुशी के आंसू निकल पड़े। इतने नसीब वाले सब कहाँ होते हैं जो बरसों से बिछड़ी माँ को अपने सीने से लगा सके। माँ चंदा कहाँ है? अस्पताल में है, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। सच माँ? हाँ। चंदा देख सकेगी? भैया का हाथ पूरा होगा? हाँ भैया और पिताजी का कुछ पता चला? वो नहीं मिले, हम ठोकरे खाते रहे, फिर ये फरिश्ता मिल गया। बेटा माथा टेक इसके चरणों में,
मां, मैं इनके एहसानों का बदला तो जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ गिरफ्तार करने आया हूं। गिरफ्तार नहीं, क्या कह रहे हो? हां मां, ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। मिस्टर कामा, बेहतर इसमें है कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दें। नहीं, अगर ये मुजरिम है तो दुनिया में देवता कौन है? जिसने तेरी अंधी बहन की इज्जत बचाई, उसे भाई का प्यार दिया, वो गुनेगार है। जिसने तेरी दुखी हारी माँ को सर छुपाने की जगह दी, वो लुटेरा है। सुशील, अगर ये बुरा है तो भगवान करे दुनिया में सारे इज्जत से बुरे हो जाए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ माँ, लेकिन फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। इस वक्त मुझे इनको गिरफ्तार करना होगा। तुझे इस तक पहुंचने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। इसे अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, तू अपने आप को संभाल। माँ, 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 मुझे मेरे फर्ज से लड़ेगा। तू ठीक तो है माँ? मैंने जब कोई जुर्म किया तो ये मुझे गिरफ्तार कैसे करेंगे? इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी, आइए। डीएसपी साहब, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। मुझे माँ के सामने गिरफ्तार मत करो, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अभी अभी बीमारी से उठी है, उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उन्हें कह दो कि मैं बेगुनाह हूं। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं आपके साथ चलता हूं, मुझे बाहर चलकर गिरफ्तार कर लीजिएगा। मेरी मां के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार, ठीक है, जैसा तुम कहते वही होगा। शुक्रिया मां। मैंने कहा था ना, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये किसी और कुंवर साहब के चक्कर में यहां आ गए हैं। हां मां, ये उस मुजरिम को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे उसका घर दिखाने ले जा रहे हैं। मुझे मालूम था ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। चलिए आइए। इंस्पेक्टर। यस सर। माँ को हमारे बंगले पर ले जाओ, अम्मी जान से मिला देना, उनसे कहना कि हमारी माँ है। नहीं बेटा, तुम दोनों उस बदमाश को पकड़कर आ जाओ, फिर कुंवर बेटे के साथ में वहां चलूंगी। इसके कदमों की बरकत से मुझे तू मिला है, हो सकता है रवि और तेरे पिताजी भी मिल जाए। जरूर मिलेंगे माँ, बस आशीर्वाद दो। कैसा आशीर्वाद? ये आकर बताऊंगा। भगवान तुझे कामयाबी दे। बस अब तो फतेह ही फतेह है, चलिए डीएसपी साहब। अच्छा माँ। आ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये मुझे दे दो, थक गए होंगे। पहले मेरी बहन। हाँ, तुम अपनी बहन को भी खुशी से ले जा सकते हो। और अपने पिता घनश्याम को भी। ओ, ये भी खबर है तुम्हें, ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। पहले आप, कहते हैं हमेशा शरीफ के आगे और शैतान के पीछे चलना चाहिए। कुंवर साहब, उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखिए। आप नहीं, तुम कहिए पिताजी। पिताजी? हाँ पिताजी, मैं आपका बिछड़ा हुआ बेटा रवि हूँ। रवि? हाँ, नहीं पहचाना अपने बदनसीब बेटे को। ये देखिए चंदा की राखी का जलने का निशान। हाँ, रवि, पिताजी, रवि मेरे बेटे, रवि पिताजी,
बेटे बेटे तुम्हारी माँ सुशील और चंदा कहाँ है? पिताजी आपके जाने के बाद सब बिछड़ गए थे, पर शायद भगवान को हम बदनसीबों पर दया आ गई। माँ और सुशील मिल गए और चंदा भी यहीं कहीं। चंदा चंदा डरो नहीं चंदा, नहीं कुंवर। अरे तो ठीक तो है चंदा रानी, चंदा रानी। चंदा ये पापा जी हैं, हमारे पापा जी हैं, और मैं तुम्हारा सगा भाई रवि हूँ। हाँ, जब तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलेगी तो मेरे हाथ पर अपनी जली हुई राखी का निशान देखोगी। रवि, रवि भैया, सचमुच मेरे रवि भैया। हाँ, मैं रवि भैया हूँ, और ये पापा जी हैं। पापा जी, पापा जी से मिलो। पापा जी, पापा जी, पापा जी, कहाँ गए पापा जी? आपको अपनी बेटी की याद भी नहीं आई, बोलिए ना पापा जी। लेकिन आज भगवान ने सबको मिला दिया है। हमने कितने दुख उठाया है। आओ घर चलो, चलो चलो घर चलो। मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है कुंवर कि कांच के टुकड़ों में और हीरों में फर्क ना जान सके। और मेरी अकल भी इतनी कमजोर नहीं कि तुम जैसे हरामजादों को ना पहचान सकूं। जबान को लगाम दे और सच सच बता दे मुझे हीरे कहां है। हाथ हटा लंगड़दीन, कपड़े खराब हो जाएंगे। ये लंगड़ा नहीं है बेटा, ना इसका नाम असली है ना सूरत असली है। इसका नाम जोसेफ है, अच्छी तरह जानता हूं। ये दाढ़ी की आड़ में शिकार खेलता रहा है। क्यों मिस्टर त्रिपाठी उर्फ जोसेफ? जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो मरने से पहले मेरी असली शक्ल भी देख लो। मेरी ये मनहूस शक्ल मैं 20 साल पहले देख चुका हूं, और वो लम्हा मैं आज तक नहीं भूल सका। तूने हीरों का बैग देकर मेरी जिंदगी का रुख गलत रास्ते की तरफ बदल दिया। उसी दिन से मुझे तेरी तलाश थी, और तलाश करते करते मौत के मुंह में पहुंच गए। तुम खुद मौत को मेरे करीब नहीं आने दोगे, इसलिए कि सिर्फ मैं बता सकता हूं कि असली हीरे कहां है। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर असली हीरे अंदर आ गए तो हम में से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। तुम हमारे साथ बाहर आओ, असली हीरे तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं, अब तुम बाहर भी नहीं जाओगे और असली हीरे कहां है ये भी बताओगे। बाहर जाने के बाद कुंवर, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारी अपनी बहन की आंखें। बता दो। नहीं त्रिपाठी, त्रिपाठी रुक जाओ कुत्ते। कुंवर, अगर ये पट्टी वक्त से पहले खुल गई तुम्हारी बहन हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। त्रिपाठी, अगर अपनी बहन की आंखों की सलामती चाहते हो तो अभी भी वक्त है, बता दो। ठहरो, ठहरो, मैं बता रहा हूं। नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम मत बताना, मैं अंधी थी, अंधी रहूंगी। तो फिर ले। नहीं। ये मेरा पहला कदम था, दूसरा शर्मनाक होगा और तीसरा होगा भयानक, जो तुम अभी देखोगे। इस लड़की के कपड़े उतार दो। नहीं। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे लिया मैं गोली मार दूंगा। मैं देख सकती हूं मिस्टर त्रिपाठी, तुम अपनी गिनती में मार खा गए। मेरी पट्टी तो आज ही खुलने वाली थी, वो आज ऐसे वक्त में खुली कि मैं तुझ जैसे शैतान को खत्म कर दूं। खबरदार, मेरे बाप और भाई को छोड़ दो, वरना मैं गोली मार दूंगी। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। भतीजे तुम? हाँ चाचा, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखकर बहुत खुशी हुई। सर, ये कमिश्नर का बेटा नहीं है, इसी बुढ़िया का सगा बेटा है। ओ, हमारे लिए तो ये बिल्कुल नई खबर है। ले जाओ और बांध दे इसे। जनाब। घनश्याम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बीवी बच्चों से मैं तुम्हें मिलाऊंगा। ये देखो, ये रहा तुम्हारा पूरा परिवार। ये सुशील है, तुम्हारा छोटा बेटा, और अपने बड़े बेटे कुंवर से तो तुम मिल ही चुके हो।
रवि बेटे। हाँ, यहाँ सिर्फ देखने की इजाजत है, तुम लोगों का मिलन ऊपर होगा। डार्लिंग, तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी से हम बहुत खुश हुए। और भतीजी तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है वो सिर्फ अपना खून ही दे सकता है। हम बहुत खुश हुए, इसीलिए अपने दोनों दुश्मनों को खत्म करने की इज्जत हम तुम दोनों को देना चाहते हैं। डार्लिंग, तुम कुंवर को गोली मारोगी और भतीजी तुम इस डीएसपी को जहन्नुम रसीद करोगी। मैं तीन तक गिनूंगा, दोनों की गोलियां एक साथ चलनी चाहिए। एक, दो, तीन। तो यह है तुम दोनों की असलियत। जब कमिश्नर ने तुम्हें मेरे हवाले किया था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम पुलिस के एजेंट हो, और तुम पर मुझे शक हुआ था जब कुंवर ने अपने बाप का जिक्र छेड़ा था। मैं सूफिया नहीं, धर्मदास की भतीजी, और अब मैं तुम लोगों को ऐसे तड़पा के मारूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे और मौत तुमसे बहुत दूर भागेगी। अरे भतीजे, पुलिस को भी साथ ले आए तुम। त्रिपाठी, तुम्हारे करतूतों का भंडा फूट चुका है। पुलिस चारों तरफ से तुम्हारे कसीनो को घेर चुकी है, इसलिए अब तुम बच नहीं सकते। शराफत इसी में है कि तुम बाहर निकलकर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चौधरी साहब, आप बुलाएं और हम ना आए, ये तो दोस्ती के नाम पे धब्बा होगा। सिर्फ इतना है कि अपने अचमचों से कह दीजिए, राइफल उठाने से पहले गाड़ी को गौर से देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की एक गलती से जिंदगी भर आपको पछताना पड़े। ड्राइव। कमिश्नर साहब, मेरे एक हाथ में आपके बेटे की कनपट्टी पे लगा हुआ एक पिस्तौल है और दूसरे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल, जिसका कनेक्शन इस गाड़ी के नीचे लगे हुए एक बॉम्ब के साथ है। अगर पुलिस ने कोई गलत कदम उठाया, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मेरे साथ ये सब भी मरेंगे। हाँ, अगर पुलिस ने मेरे कहने पर अमल किया, मैं वादा करता हूं अपनी मंजिल पर पहुंचकर इन सबको जिंदा सलामत वापस भेज दूंगा। क्या सोच रहे हैं कमिश्नर साहब? अपने पुलिस वालों से कह दीजिए मेरे रास्ते से हट जाएं और मेरा पीछा करने की कोशिश न करें। लेट हिम गो, डोंट फायर। मेरे बेटे को बचाइए कमिश्नर साहब, मेरे बेटे को बचाइए। मुझे कुछ नहीं होगा मां, तू फिक्र मत कर, फिक्र मत कर। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, मैं कमिश्नर चौधरी बोल रहा हूं।
बाहर जा रहा हूं भतीजे, तुम सब इस दुनिया से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जिंदा हो? हाँ, मेरे खानदान पर किए हुए जुल्मों का आज तुझे पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। रुक जाओ, अगर जरा भी आगे बढ़े तो तुम अपनी आंखों से अपने खानदान की तबाही का नजारा देखोगे। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है मिस्टर जोसेफ। अभी दिखाता किसके हाथ में। निशानी है जो मेरी मां थी अपने पति के लिए तड़पती हुई वो इस दुनिया से चली गई और अब मैं अपने बाप के प्यार की हसरत लिए इस दुनिया से जा रही हूं। बेटी, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। तुम्हारा जलील बाप अभी जिंदा है, तुम्हारी आंखों के सामने है। बेटी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे डैडी कहकर बुला लो, सिर्फ एक बार। नहीं, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। बेटी, इसी के लिए तो अपने मुल्क, समाज और कौम से गद्दारी करता रहा। इसी दौलत के लिए न जाने तूने कितने घर बर्बाद किए, कितने मासूमों को तबाह किया। उठा इन कागज के टुकड़ों को और खरीद ले अपनी बेटी के लिए जिंदगी। अरे कमबख्त, सारी दुनिया की दौलत देकर भी तू अपनी बेटी के लिए एक सांस नहीं खरीद सकता। कुदरत ने तुझसे तेरे कर्मों का बदला लिया है जोसेफ। बेटी,
मन खाली हाथों फिर भी जाता है कोई डाले कफन।